नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल श्रीराम परिवार में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हमारे चैनल के एक सदस्य ने कमेंट किया था कि गुरुजी आप हमें पुष्पक किन्नरी की साधना उपलब्ध करवाइए, तो उसी से संबंधित आज ये वीडियो हम आपको प्रदान कर रहे हैं। देखिए, जो भी सदस्य पहली बार वीडियो देख रहा है, हम उन्हें बता दें कि भाई जी, इस चैनल पर हम आपको धर्म अध्ययन से जुड़ी हुई कई प्रकार की जानकारी, कई प्रकार के साधनाएं और सामग्री प्रदान करते रहते हैं। तो अगर आप भी इन सभी को प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को चालू कर लीजिए। देखिए, बात करते हैं पुष्पक किन्नरी साधना के बारे में। तो पुष्पक किन्नरी साधना जो है बहुत ही दिव्य साधना है। ये करने के बाद में व्यक्ति को कई सारी चीजें मिलने लग जाती है। और देखिए, आज के संसार में हर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसके व्यक्तित्व में एक अलग ही आकर्षण आ जाए, जिससे प्रत्येक व्यक्ति उसकी बात को सुने, उसकी बात को महत्व दे। लेकिन ऐसा होना बहुत ज्यादा संभव नहीं होता, क्योंकि आजकल आप देखोगे तो बहुत ज्यादा लोग ऐसे होते हैं जिनके व्यक्तित्व में कोई आकर्षण होता ही नहीं है, कोई लोग उनकी बातों को नहीं सुनते। तो यहीं पर बहुत से लोग जो हैं दुखी हो जाते हैं। तो उन सभी लोगों के लिए पुष्प किन्नरी साधना एक वरदान की तरह है। अगर कोई भी व्यक्ति पुष्प किन्नरी साधना को कर लेता है तो उसके व्यक्तित्व में एक ऐसा आकर्षण आ जाता है जिससे हर कोई उसकी बात को सुनता है, हर कोई उसकी तरफ चुंबक की तरह खींचा चला आता है। और अगर एक बार ऐसा आकर्षण किसी व्यक्ति को प्राप्त हो जाए तो वो व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में असफल हो ही नहीं सकता। हर क्षेत्र में उसकी बात सुनी जाएगी, वहाँ पर रहने वाले हर लोग उसकी बात को महत्व देंगे, जिसके बाद में उसे उस क्षेत्र में सफलता मिलना स्वाभाविक है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में कई प्रकार की योनियां विद्यमान है। 84 लाख योनियों के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ इत्र योनियां होती है। इत्र योनियां जो होती है हमारी तरह पांच तत्वों से बनी नहीं होती, भौतिक शरीर उनका नहीं होता, वो एक अलग ही आयाम में रहती हैं। इत्र योनियों में यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सराएं, गंधर्व, किन्नर, किन्नरी ये आते हैं। ये अलग ही योनि होती है, ये समाज में और संसार में ऐसे ही प्रकट नहीं होती, बल्कि ये अलग ही रहती हैं, ये एक अलग ही आयाम में रहती हैं, इसलिए इन्हें इत्र योनि कहा जाता है। इत्र योनि की साधनाएं काफी कठिन होती हैं अगर आप बिना गुरु के करते हो तो अगर किन्नरी साधना भी कोई व्यक्ति करना चाहता है तो गुरु के सानिध्य में रहकर कीजिए, तो जल्दी आपको सफलता मिलेगी। आजकल आप इंटरनेट पर देखोगे तो आपको किन्नरी साधना काफी ज्यादा देखने को मिल जाएगी, और हर कोई कहता है कि भाई एक दिन में आपको सफलता मिल जाएगी। तो मैं उन सभी व्यक्तियों से एक ही बात कहना चाहूंगा कि किसी भी साधना में एक दिन में सफलता प्राप्त हर कोई नहीं कर सकता। एक दिन में केवल उसे ही प्राप्ति होती है जो पहले से कोई दिव्य साधना को सिद्ध करके बैठा हो, या फिर कोई दिव्य साधक हो, वही जो है सामान्य साधनाओं में एक दिन में सफलता प्राप्त कर सकता है। किन्नरी साधना के बारे में अगर आपने कई जगहों पर देखा होगा तो वहां पर भी आपने यही बात सुनी होगी कि किन्नरी साधना की जो पूरी विधि है वो एक रात की और उसी में ये सिद्ध हो जाती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसे सिद्ध करने के लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पूरा संकल्प लेना पड़ेगा, पूरा अच्छी तरीके से विधि का पालन करोगे तभी जाकर ये साधना सिद्ध होगी। तो इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं जिनको देखकर लोग करते हैं और उनको कोई फायदा नहीं मिलता, लेकिन हम यहाँ पर आपको बिल्कुल सही और सटीक जानकारी प्रदान करेंगे जिससे आपको किन्नरी साधना में सफलता प्राप्त हो सके। देखिए, किन्नरी जो है वो कई प्रकार की होती है और उन्हीं में से एक है पुष्प किन्नरी, जो कि आप नाम से ही जानते हैं कि भाई ये दिव्य आभा को लिए हुए बहुत सुंदर स्वरूप वाली होगी। और जो भी साधक इसकी साधना करता है तो उसे भी ये इसी प्रकार से अपनी ही तरह बहुत ही दिव्य आभा वाला और सुंदर बना देती है। इसकी साधना स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते। देखिए, किन्नरी साधना करने के बाद में आप सभी छोटे मोटे काम तो बहुत आसानी से कर सकते हो, जैसे किसी का भी वशीकरण करना हो गया, किसी को भी आकर्षित करना हो गया, ये सभी कार्य जो है बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अब मैं आपका ज्यादा समय खराब नहीं करूंगा, आपको विधि बताता हूँ जिससे कि आपको साधना की पूरी जानकारी प्राप्त हो। देखिए, साधना के लिए आपको कुछ सामग्रियों की आवश्यकता होगी, तो वो सामग्री मैं आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले जो वस्त्र चाहिए होंगे वो गुलाबी रंग के चाहिए होगी, गुलाबी रंग का ही आपको आसन चाहिए होगा। आपको आम की लकड़ी की चौकी चाहिए होगी, जो बाजोट होता है जिसके ऊपर हम चित्र आदि रखते हैं, तो वो आम की लकड़ी का होना चाहिए। और चौकी के ऊपर भी आपको गुलाबी वस्त्र रखना है। साधना के लिए आपको पीले रंग के चावल लेने होंगे, इसलिए थोड़ी सी हल्दी मिलाकर चावलों को पीला कर लीजिएगा। पुष्प किन्नरी यंत्र भी आपको चाहिए होगा। पुष्प किन्नरी यंत्र कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में मैं आपको आगे जो वीडियो आएगी उसमें प्रदान कर दूंगा। तो पुष्प किन्नरी यंत्र आपको चाहिए होगा, केसर, अष्टगंध, अक्षत अथवा पुष्प आपको पूजा आदि के लिए चाहिए होंगे, सुगंधित धूप
धूप बत्ती हो गई, शुद्ध घी का दीपक हो गया और पुष्प की नरी माला और सुगंधित पान आप साधना के लिए वहां पर रखिएगा। पूरी सामग्री को लेने के बाद में आपको साधना शुक्रवार से शुरू करनी है। रात्रि काल में पूरी आपकी साधना रहेगी तो रात के 10 बजे के बाद में इस साधना को आप शुरू कीजिएगा। और अगर कोई अच्छा शुभ मुहूर्त पड़ रहा है, आप एक बार पंचांग में देख लिया कीजिए कभी भी कोई साधना करते हो उससे पहले, तो अगर कोई शुभ मुहूर्त पड़ रहा है तो उस शुभ मुहूर्त में भी आप इस साधना को करोगे तो बहुत ही जल्दी आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। आप इस साधना को होली, दिवाली, ग्रहण काल में भी कर सकते हो, वहां पर आपको बहुत ही जल्दी और बहुत ही शीघ्रता से सफलता प्राप्त हो सकती है। साथ में आप नवरात्रि में भी इस साधना को कर सकते हो। अब देखिए, जो लोग चाहते हैं कि भाई हम एक दिन में इस साधना को कर ले, तो एक दिन में ये साधना नहीं होगी। शुक्रवार से तो आपकी केवल साधना शुरू होती है और ये जो शुक्रवार होगा ये शुक्ल पक्ष में पड़ना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन रात्रि में आपको बिल्कुल पवित्र होके नहा धोकर आपको बैठना है, और जिन भाइयों की तरफ सर्दी ज़्यादा बढ़ रही है, वो ज़्यादा ठंडे इलाके में रहते हैं, तो वो कम से कम हाथ मुंह धोकर अच्छी तरीके से पवित्र होकर साफ वस्त्र धारण करके बैठिएगा। पूजा स्थान पर बैठिए, अच्छी तरीके से साफ होकर आसन पर बैठिए और अपने पूजा स्थान को पहले से साफ कर लीजिएगा। वहाँ पर चौकी स्थापित कीजिए अपने सामने और चौकी के ऊपर गुलाबी रंग का वस्त्र बिछाइए जो कि बिल्कुल साफ और नया होना चाहिए। उस वस्त्र के ऊपर हल्दी से जो रंगे हुए अक्षत थे, जो चावल थे, उनसे आपको अष्टदल कमल बनाना है। अष्टदल कमल किस तरीके से बनाना है स्क्रीन पर मैंने आपको दिखा दिया है, फोटो आपको दिख रही है। तो अष्टदल कमल बनाने के बाद में उसके मध्य में आपको पुष्प किन्नरी यंत्र की स्थापना करनी है। उसके बाद में अष्टगंध, अक्षत, पुष्प, इत्र आदि से यंत्र का पूजन कीजिए। यंत्र को धूप दीप दिखाइए। यंत्र की पूजा आदि करने के बाद में आपको दीपक से भी प्रार्थना करनी है। दीपक का जो मंत्र होता है आप उसका भी जाप कर सकते हो, वो भी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, या फिर आप दीपक के हाथ जोड़कर हिंदी में प्रार्थना कर लीजिएगा कि हे दीपक, आप देवी के स्वरूप हो, आप शक्ति के स्वरूप हो, और जब तक मैं इस पूरी साधना को करूँ, जब तक मेरी साधना चलती रहे, आप कृपया करके स्थिर रहिएगा और मेरी साधना को सफल बनाने में आप मेरी सहायता कीजिएगा, मेरे सभी प्रकार के विघ्नों का नाश कीजिएगा। इस प्रकार से आप उनसे प्रार्थना कीजिए दीपक से, और उसके बाद में जो है आपको भगवान गणेश जी को प्रणाम करना है, गणेश जी से प्रार्थना करनी है, उनका मानसिक पूजन करना है, अपने गुरु जी का मानसिक पूजन करना है, उनको प्रणाम करना है, उनका ध्यान करना है, उसके बाद में अपने इष्ट देव का ध्यान करना है, उनको प्रणाम करना है। तीनों का प्रणाम करने के बाद में, उनका मानसिक पूजन करने के बाद में आपको अब किन्नरी यंत्र को प्रणाम करना है और देवी से प्रार्थना करनी है कि वह आपको इस साधना में सफलता प्रदान करे। उसके बाद में अपने हाथ में जल लेकर यंत्र के सामने आपको संकल्प लेना है। संकल्प में किस तरीके से लिया जाता है वह मैंने हर वीडियो में आपको बताया है, आज की वीडियो में भी मैं आपको बता देता हूँ कि संकल्प लेने के लिए आपको अपना नाम, अपने पिता का नाम, आप कहाँ पर रहते हो, किस गोत्र के हो, ये सब आपको बताना होता है, आपका कौन सा कुल है, ये सब आपको बताना होता है। साथ ही आप किस लिए साधना कर रहे हो, कितने दिनों तक साधना करोगे, कितने मंत्रों का जाप करोगे, ये सब चीज़ें आपको संकल्प में बोलनी है। तो आप इस प्रकार से संकल्प ले लीजिएगा, उसके बाद में जल को यंत्र के सामने छोड़ के यंत्र को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद में आप माला को प्रणाम करके माला को उठाइए। माला को पूरे आदर के सहित उठाया कीजिए। कुछ लोग जो हैं लापरवाही से माला को उठाते हैं, उसका सम्मान नहीं करते, तो उन लोगों को साधना में सफलता नहीं मिलती। माला आपकी सफलता का एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है, साधना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है, तो पूरे सम्मान के साथ उसे भी प्रणाम करके, उसका भी पूजन करके उसे उठाना चाहिए। माला को लेकर आपको जो किन्नरी का मंत्र है वो बोलना है। तो देवी किन्नरी का मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, बोल के भी बता देता हूँ, इसका आपको जाप करना है। ओम पुष्प किन्नरी वस्य मानय श्रोम ओम, यह मंत्र आपका है। ओम पुष्प किन्नरी वस्य मानय श्रोम ओम, इस मंत्र का आपको 11 माला जाप करना है। अब देखिए, इस मंत्र का 11 माला जाप आपको 11 दिन तक या 21 दिन तक करना है, इससे कम आप साधना मत कीजिएगा। पहली बार साधना कर रहे हो तो 21 दिन का संकल्प लीजिए, और मान लीजिए आप पहले भी कोई साधना कर चुके हो तो फिर आप 11 दिन का संकल्प ले सकते हो। तो 11 दिन या फिर 21 दिन का संकल्प लेकर साधना को शुरू कीजिएगा। रोजाना 11 माला जप कीजिएगा। माता को जो है आप सुगंधित पान भोग के रूप में छंडाया कीजिए। जब आपका पूरा ये काम हो जाए, पूरा जप हो जाए, उसके बाद में आप उस पान को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हो। देखिए, अंतिम दिन जब माता प्रसन्न होंगी तब
आप ये पान उनको प्रदान कर दीजिएगा। वह स्वयं आपके सामने उपस्थित होंगी, वह आपसे वर मांगने के लिए कहेंगी, तब आप उनसे वर मांग सकते हो। कई बार क्या होता है कि जो किन्नरी है वो स्वयं आपके सामने उपस्थित नहीं होती, बल्कि आपके सपने में आपको दर्शन दे देती है या फिर आपको ध्यान मुद्रा में दर्शन हो जाते हैं। तो वहाँ भी आपको अपनी साधना की सफलता माननी चाहिए, और उसके बाद में जब भी आपको किन्नरी देवी की आवश्यकता पड़े, जहाँ भी आप जा रहे हो, आप चाहते हो कि आपसे लोग प्रभावित हो, तो वहाँ जाने से पहले इनके मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हो। तो जहाँ पर भी आप जाओगे वहाँ पर ऑटोमेटिक ही लोग वशीभूत हो जाएंगे आपके, और आपकी बातों को सुनेंगे, आपकी तरफ आकर्षित होने लग जाएंगे। और अगर और भी कोई आपकी मन की अभिलाषा है जो आप बाद में पूरी करना चाहते हैं, तो किन्नरी देवी के मंत्र का जाप करके आप उस अभिलाषा को कह सकते हो, माता आपकी अभिलाषा को पूर्ण कर देगी। देखिए, छोटी मोटी इच्छाएं तो आपकी ऑटोमेटिक ही साधना के दौरान पूरी हो जाएंगी, और जब आप साधना कर लोगे उसके बाद में मंत्र का जाप जारी रखिएगा। कम से कम रोजाना 11 बार तो जाप कीजिएगा, और एक माला हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उससे आपके मंत्र की शक्ति बनी रहेगी, और जो भी आपकी इच्छाएं होंगी छोटी मोटी वो किन्नरी अपने आप ही पूर्ण कर दिया करेगी। आपके चेहरे पर अलग चमक आ जाएगी, हर कोई व्यक्ति आपसे प्रभावित होने लग जाएगा। जब साधना करोगे तो स्वयं ही आपको कई प्रकार के अनुभव होने लग जाएंगे। अब जो लोग साधना करना चाहते हैं वो हमसे संपर्क कर लीजिएगा, नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आपसे संपर्क कर लेंगे। तो इस प्रकार से ये पूरी साधना आपको करनी है। आपने जितना संकल्प लिया है, 21 दिन का संकल्प लिया है, तो 21 दिन पूरे होने के बाद में, साधना पूर्ण होने के बाद में, आपको जो भी पूरी सामग्री रहेगी उसे आपको जल में प्रवाहित कर देना है। इस तरीके से आपकी साधना पूर्ण हो जाएगी, और साधना पूर्ण होने के बाद में माता के मंदिर में जाके माता के दर्शन जरूर कीजिएगा। माता भवानी के किसी भी मंदिर में आप जा सकते हो, और वहाँ पर माता को प्रसाद चढ़ाइएगा। उस प्रसाद को छोटे छोटे बच्चों को जरूर बांटिएगा, छोटी छोटी जो बच्ची होती है उनको जरूर बांटिएगा। इस प्रकार से ये आपकी पूरी साधना हो जाएगी। आपको साधना में कई प्रकार के अनुभव होंगे, कई प्रकार के लाभ भी होंगे। और देखिए, जो भी लोग इंटरनेट से देख के डायरेक्ट ही साधना शुरू कर देते हैं, तो उनसे मैं कहूँगा कि आप ऐसा मत किया कीजिए। हमने भी जब ये साधना डाली थी उससे पहले देखा था कि इंटरनेट पर कई सारी ऐसी पुष्प किन्नरी की साधना डाल रखी है जिनमें विधि सही तरीके से बताई नहीं गई, और वहाँ पर लोग भ्रमित हो जाते हैं, इसलिए ये वीडियो हमने बनाया है। तो आप ऐसे ही कहीं पर किसी भी अनजान व्यक्ति की वीडियो देख के साधना शुरू मत किया कीजिए। कम से कम उससे संपर्क कर लिया कीजिए। हमसे अगर कोई आप साधना चाहते हो तो आप हमसे भी संपर्क कर सकते हो, और हम चैनल पर जो भी जानकारी या जो भी वीडियो प्रदान करते हैं वो बहुत ज़्यादा शोध करने के बाद में आपको प्रदान करते हैं, और जो बिल्कुल सटीक और सही जानकारी होती है वही आपको प्रदान करते हैं। इसलिए आप हमारी जानकारी के ऊपर विश्वास कर सकते हो, और इन्हें आप में काम में ले सकते हो। कोई भी अगर खतरनाक प्रयोग करते हो हमारा बताया गया, तो उससे पहले संपर्क जरूर लिया कीजिए, जिससे कि अगर कोई भी दिक्कत हो तो हम उसका समाधान कर सके। आपको सारी जानकारी प्रदान कर दी। अगर कोई भी आपको परेशानी आई हो तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। देखिए, आज की वीडियो में मैंने आपको केवल किन्नरी साधना की विधि ही बताई है, इसके बारे में और भी काफ़ी जानकारी है जो मैं आपको आगे आने वाली वीडियो में प्रदान करूँगा। इसलिए आप हमसे जुड़े रहिएगा, जिससे कि आपको किन्नरी साधना से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। और भी जो हमारी वीडियो है वो चैनल के ऊपर आपको मिल जाएंगी। कोई पुस्तकें प्राप्त करनी है तो वो भी आप प्राप्त कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, माँ भवानी आप सभी का कल्याण करें।